शाम इज लाइक आओ कवल बाहर बैठते हैं, फिर कमरे में कुर्सियां बिछा दी। हाँ आ रही हूँ, वेदर देखें कितना प्यारा है। इन लोगों को दिखा के कौन सा फायदा है, ना कोई कमेंट करता है ना कोई लाइक करता है, ऐसे देख देख के चले आते हैं, कोई फायदा नहीं। आ जाओ सावा, हम फिर भी दिखाएंगे। आ जाओ तुम, छोड़ो यार, आ जाओ। Okay guys, I am officially off to work. Look at this homemade awesomeness. ये हमें बर्गर कितने के पड़े होंगे कवल, घर पे हमने जो बनाए, हमने नहीं बनाए, कवल ने बनाए। तो ये बर्गर अभी मैं आया हूँ वेयर हाउस से, और कवल ने मुझसे पूछ लिया था फोन पे ही कि खाना का ये पूरा क्या खाओगे। चार पाउंड का ये सारा कुछ है सर जो हमारी प्लेट के ऊपर मौजूद है। अगर हम ये खाते बाहर से, मैं बाहर से जाके खाता तो एक बर्गर मील तकरीबन सात आठ पाउंड की मील होती है। और छह साढ़े छह का बर्गर होता है, तो ये दो बर्गर्स 4 पाउंड, और इनमें सिर्फ वो चीजें हैं जो मुझे पसंद है। मजा आया, तो आप भी बनाएं, आप भी खाएं, पैसे बचाएं, बहुत महंगाई हो गई है। बाहर से ऑर्डर करने से बेहतर है घर पे ऑर्डर करें, अपने लिए खुद बनाएं, घर पे ऑर्डर करें सामान, या लेकर आ जाए बाजार से। यूटर्न मारा ही मैंने, लेकिन अच्छा यूटर्न है। और इसी बात पे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। 14 अगस्त आप लोगों ने कैसे मनाई, 15 अगस्त आप लोगों ने कैसे मनाई, क्योंकि मेरे इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे फॉलोअर्स हैं जो देख रहे होते हैं वीडियो। जश्न आजादी, और इंडिया में क्या कहते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू बोथ कंट्रीज। मैं करूंगा एंजॉय अपना बर्गर, आप लोग ये वीडियो देखें और एंजॉय करें साथ साथ। की बात देखो सामा, ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी, और हाँ बैठे हुए हैं हम यूके। अभी जाता हूँ मैं बकिंगम पैलेस, पूछता हूँ क्या हो गया था इनको। मॉर्निंग, अनदर डे, सेम वीडियो। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं यहाँ पर। आज मेरा वेयर हाउस का काम नहीं था तो मैं आज नहीं गया हूँ। आज मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास है, आखिरी फाइनल असाइनमेंट सबमिट कराने से पहले। और आज मैंने ख्वाब भी बड़ा मजे का देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं असाइनमेंट सबमिट करा चुका हूँ और हम घूमने के लिए निकल गए कहीं पर। नेवर माइंड, कभी ना कभी ये भी होगा। लेकिन जब मैं उठा तो कमरे का दरवाजा बंद था, मुझे लगा शायद कवल की हो रही है मीटिंग, तो कवल यहां पर होगी। पता चला कवल तो यहां पर नहीं है, कवल गई हुई है जिम। मैंने फोन करके मालूम किया, और जब मैंने मालूम किया तो कवल ने मुझसे पूछा, यार तुमने, मैंने उससे पूछा तुम्हें कुछ खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना के रख देता हूं, काट देता हूं। फिर उसने बोला, तुमने जाके स्लैब नहीं देखा है किचन का? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे झाके देखा तो यहां पर सामान रखा हुआ है मेरे नाश्ते का ये, और उसके साथ साथ एक नोट भी रखा हुआ है वो ये, जो कि मैंने अब देखा। आई हैव एडेड स्प्लेंडर इन द मिल्क फॉर योर टी, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, टेक इनफ पोर्शन, प्लीज कट माय चिकन इनटू स्मॉल पीसेस, जस्ट रिमूव द फैट, थैंक यू जोर लॉल। अभी मैंने उससे फोन पर पूछा, कमल मैं तुम्हारे लिए कुछ काट दू, कुछ बना दू। अच्छा तब पर, अच्छा जी, तो ये सीन था। देख रहे हैं आप लोग, आप भी करें नाश्ता, हम भी करते हैं नाश्ता, और बेगम के लिए चिकन काट के रखते हैं। सी यू इन अ बिट। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली एक टर्की का मुझे ट्रिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेस व्हाट, काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि मेरे बाल जा रहे हैं, साइडों से तो जा ही रहे थे, विच इज ओके, नेचुरल है, लेकिन अब सेंटर से जाने शुरू हो गए। क्या करूं, कभी ना कभी तो जाने हैं, जेनेटिक है, बट अगर चले जाएंगे तो हम लगवा लेंगे इंशाल्लाह।
अगर आप में से किसी ने बाल अपने लगवाए हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, हेड्स अप मिल जाए ताकि। एनी हू, आई थिंक अब मैं बाल सुखा कर जरा बना लेता हूँ और इंसानों वाली शक्ल के अंदर आ जाता हूँ और थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाता हूँ। 138 ग्राम था बाय द वे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? Living life every day, late at night, not okay. Okay. All I want and I pray. छजी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पुराने व्लॉग्स एडिट कर लूं जो आप लोग देख चुके होंगे, और ये शॉट लेने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे कैमरा सेटअप करके रखा जो कि आप लोग देख सकते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो लोग करते क्यों है ये, क्योंकि मैं जितने भी व्लॉग्स देखता हूँ उनमें से अक्सर लोग इस तरीके से कॉर्नर पे कैमरा रखा हुआ होता है और यूं चलते हुए जा रहे होते हैं। भाई रखा किसने, कैसे चलते हुए जा रहे हो? तो ये आज मैंने भी कर दिया, पहले आके कैमरा सेटअप किया, फिर बाहर गया, सामान लेकर यहाँ पर आया, अभी चाय बन रही है, चाय लेकर आऊंगा थोड़ी देर में, एडिटिंग करूंगा, ये मजेदार वेदर एंजॉय करूंगा। क्या वो कवर नहीं लगाया? खैर हो गई। तो ये मजेदार वेदर आप देख सकते हैं, ये एंजॉय करूंगा। इसका कैमरे में क्या दिख रहा है? ओहो, ये ट्राइपॉड का तो हैंडल भी दिख रहा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता अब। चल खैर, क्या करें, नए नए लोग हैं ना, नई नई टेक्नोलॉजी से पाला पड़ा है। Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day. Okay. आज फ्राइडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि सलवार कमीज पहन लिए जाए। नॉर्मली तो पता चलता नहीं है कि फ्राइडे आ जाता है चला जाता है, अक्सर मैं वेयर हाउस में होता हूँ, लेकिन सिंस आज मेरी छुट्टी है आई एम थिंकिंग अबाउट वेयरिंग द सलवार कमीज, वरना अगले साल ही पहनने को मिलेगा। ईद पे या रमजान में कभी पहन लिया तो पहन लिया, यहाँ पे तो किसी की शादी वादी में भी नहीं जाना होता कि सलवार कमीज पहन के बंदा जाए। तो यस, आई एम गोना वेयर सलवार कमीज टुडे, इसलिए ये फेक शॉट जो कि पहले से कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है वो लिया मैंने। बड़ी मेहनत है यार ये, कैमरा रखो, दरवाजा बंद करो, फिर जाओ, बल्कि नहीं, कैमरा रखो, वीडियो रिकॉर्ड पे लगाओ, फिर उसके बाद दरवाजे बंद करो, फिर दरवाजे खोलो, एक्ट सरप्राइज। लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्या ये शॉट्स लेने का कोई फायदा है? एनीवेज, आई थिंक मैं इस वीडियो के आखिर के अंदर मैं ये सारे शॉट्स जो मैं रख रहा होता हूँ, फिर दरवाजा बंद कर रहा होता हूँ, या कैमरा मैंने बालकनी में रखा और मैं वॉक करता हुआ बाहर गया, ये सारे शॉट्स डालूंगा। दे आर फनी, मतलब व्हाई, सीधा कैमरा पकड़ के बना लो वीडियो जो बनानी है। बैक टू वर्क, ये मैंने कैमरा सेटअप कर दिया है ट्राईपॉड पे या गिम्बल पे, ऑन कर लेते हैं कैमरा और ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। वाह, दिस इज द जादू, और अब इसको यूं करना है। ऑसम, ये मैं रख रहा हूँ बिस्तर के ऊपर जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और कभी भी गिर जाएगा। लेट मी सी के इस वक्त दिख क्या रहा है कैमरे के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओए नीचे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. सलवार कमीज में आ चुका हूँ मैं और मूछों को ताव देना भी शुरू कर दिया क्योंकि मैं अब मूछें बढ़ा रहा हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी पहले थोड़ी बड़ी गुज्जर टाइप मूछें होती थी, शेव के साथ विदाउट शेव, लेकिन मूछें मैंने रखी हुई थी 1 2 3 4,
ये कुछ लुक्स हैं। अब पता नहीं थोड़े अरसे बाद क्या लुक हो जाएगा, लेकिन मैं अक्सर अपनी शक्ल देखकर खुद बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए मूछें बढ़ रही हैं। ऑन दैट नोट, आज जुम्मा है और नेचुरली जुम्मे को पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो जाती है। मजा नहीं आ रहा है। आप लोगों के लिए शायद 23 डिग्री ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर यहाँ पर पांव रख रहा हूँ ना थोड़ी देर, तो मेरे पांव जल रहे हैं, इतना गर्म हो रहा है। सूरज कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर चमक रहा होता है, जब नहीं होता है तो मिस कर रहे होते हैं, और जब होता है तो इतना मुश्किल हो जाता है सूरज के अंदर खड़े भी होना यहाँ पर, क्योंकि स्किन जल जाती है। ये मैं शायद कुछ वीडियोस पहले दिखा चुका हूँ, मेरी गर्दन जल गई थी, मैं यहाँ पे बालकनी में बैठा हुआ था थोड़ी देर के लिए, ऐसी सूरज की तरफ बैक करके अपनी, तो गर्दन ब्लैक हो गई थी मेरी। अभी मैं कंफ्यूज ये हूँ कि ये जो चेन है, मुझे जरा शौक है चेन और अंगूठियां वगैरह पहनने का, तो इसलिए मैं पहना हुआ होता हूँ, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि मैं इसको बाहर रखूँ या अंदर करूँ। Randomly just asking myself if I should wear it inside or outside. If I wear it outside, it's quite fashionable. फिर वो मेरा जो शलवार कमीज पहनने का मकसद है वो किल हो सकता है, लेकिन it looks okay. But ये जाएगी अंदर, because दिखाकर क्या करेंगे हम, दिखा दिया बस काफी है। आप लोग जरा कमेंट में बताएं कि चेन अंदर अच्छी लग रही है, जुग तक नहीं रही, या बाहर अच्छी लग रही थी। आज से मैं अपना असाइनमेंट भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो थोड़ा बहुत असाइनमेंट के ऊपर काम करते हुए आप लोगों को भी दिखा दूंगा। भूख लग रही है, आई थिंक कुछ खा लेते हैं। खाना बन चुका है और कवल ने ये झटपट वाली कढ़ाई बना दी है जिसके अंदर मिर्चें भरी हुई हैं। आग लगा दी। मुझे तो बहुत मिर्चें लगने वाली हैं डेफिनेटली, लेट्स सी। कि मुझे कवल वहां से पीछे से बोल रही है, बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी, दो ही डालनी है मैंने बस। लेकिन ये जितनी माशाल्लाह लाल हो रही है, खूबसूरत। हाँ हाँ बेगम, मैं आई एम शुक्र गुजार, थैंक यू, आपने बनाई है। मैं तो सिर्फ बोलूँ कि मुझे मिर्चे लगने वाली हैं। कवल ने पराठे भी बना दिए मेरे लिए, तो सबसे पहला काम इस वक्त मुझे ये करना है कि कवल ने बोला है कि कढ़ाई का वेट तुम चेक कर लो कि बनी कितनी है एक्चुअली, तो मैं अब वो करने लगा हूँ फिर उसके बाद ये हाफ एंड हाफ होगी, ताकि कवल अपने मेजरमेंट के साथ खाना खा सके। मैं तो मेजरमेंट अपनी करता नहीं हूँ, फिलहाल नहीं करता। ये चिकन की बोटी गिर गई है पीछे, तो कवल 4:45 जो है, 463 एंड काउंटिंग। ये भी तो है, ये कौन सा मसला नहीं है, प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए इसके अंदर भी, चिकन का कुछ ना कुछ तो गया ही होगा। 470 को डिवाइड बाय 2 कर दो यार, एक तो इतनी मैथमेटिक्स कर ले बंदा, या खाना खा ले सामा पकड़ो इसको, 237 निकाल लो इसमें से, तुम 237 निकाल लो। हाँ, 237 इट इज सो इजी, इट इज वेरी इजी। यस ब्रेन तुम्हारा उसी तरह फंक्शन करना चाहिए अब तो। कितना है? मेरा तो फंक्शन करता है। 470 कितना था? 437 बोला था मैंने, 474 था। 474 था ना? हाँ। तो अब 474 हो गया, नहीं हुआ ना, नहीं 474 रखो, 474 माइनस कितना करना है, कितना निकालना है, दोबारा बताओ। इतना 237 मुझे खाना है मतलब। हरी मिर्चें पहले हरी मिर्चें निकाल दो, बाकी मसाला भी रख लो अपने पास। हरी मिर्चों का तुम वेट नहीं करो, उतनी की तुम चिकन डाल दो अपने पास। मैं हटाऊं तो यहाँ से पहले? हाँ बेगम, आप जो है मैं निकालती ना तो मैं बहुत तरीके से निकाल रही होती, तुम्हारे पास मसला ही नहीं होता ये सब करने के लिए। दो चिकन इधर डाल दी और एक और हरी मिर्च दिख गई मुझे, सही है हटा दी। 237 करना मुझे, राइट? हाँ, 7 तुम्हें ले लो प्लीज। नहीं मुझे नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। हाँ गुड, मसाला भी अगर चाहिए तो ले लो इसमें से। उसमें नहीं करो बस, क्या हो गया, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल दिखा रहे। ये झूठ है,
झूठ है, झूठ है। 237 ही खाऊंगा मैं बस। ऐसा तुम्हें मसाला चाहिए उसका तो ले लो। बेगम 237 हो गया मेरा बस। उफ स्पाइसी, उंगली चाट ली मैंने। बस करो, स्पाइसी नहीं हो सकता ये, मैंने मिर्ची इतनी नहीं डाली है। अच्छा सही है, कोई बात नहीं। मैं अभी इसके साथ प्याज खाऊंगा जो प्याज रखी हुई है। गुड। और अब मैं एंजॉय करूंगा खाना, थोड़ी देर में मिलूंगा आपसे। ये है आज का सेटअप, काम करने का, चाय पीने का और शाम एंजॉय करने का। मैं लगूंगा अब अपने काम पर। इस वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बैल्कनी में आ रहा हूँ, जो मैं नॉर्मली आता ही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत कम शूट करता हूँ और काफी टाइम से मैं गायब भी था। तो खैर मेरी तरह आप भी इंजॉय करें शाम की चाय और अपना काम। पढ़ाई कर ली है, बैल्कनी का टाइम बहुत अच्छा गुजरा और अब यहाँ पर हो रही है रात। रात का खाना भी बन चुका है, कवल ने अच्छी अच्छी मजेदार सी बिरयानी बना दी है। अब मैं खाऊंगा बिरयानी, एंजॉय करूंगा और इसी बात पे मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड करूंगा। काफी टाइम हो गया नॉर्मल व्लॉग्स बनाए हुए, लेकिन मजा आया बहुत। एडिट करते हुए भी मुझे बहुत मजा आएगा आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, कौन सा लगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक लिए आप लोग रखें अपना ख्याल। मुझे कहते हैं उसामा सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माय थिंग।